मतलब आप सोचिए, क्या मतलब अपने से उम्र में बड़े और संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में बार बार अपमान को आर्ट कला कहा जा सकता है क्या? सीरियल अपमान, फिर से वही मिमिक्री। सोचा था सुधर जाएंगे, नाराजगी थी, देश में प्रदर्शन था, जाट लोग सड़कों पर थे, लेकिन ये नहीं, ये तो फिर से मिमिक्री कर दी इन्होंने। मतलब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, किसी का अपमान कला या आर्ट कैसे हो सकती है, बल्कि तो शर्म का विषय होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने ना देश के उपराष्ट्रपति के बार बार अपमान की ना कसम खा रखी, अपनी कला उनको समझ ली है। आप हैरान हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, 19 दिसंबर को ना टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने, याद है, संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, मजाक उड़ाया था, खिल्ली उड़ाई थी, याद है? तब ऐसे आरोप लगे कि ऐसा करके कल्याण बनर्जी ने देश भर के जाटों और किसान समाज का अपमान किया। उपराष्ट्रपति, पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन अपनी हरकत पर अफसोस प्रकट करना तो छोड़ दीजिए। कल्याण बनर्जी ने फिर से मिमिक्री करके खिल्ली उड़ाई है, एक बार फिर देश के उपराष्ट्रपति की नकल उन्होंने उतारी है। 19 तारीख को जो काम उन्होंने दिल्ली में किया ना, कल यानी कि 24 तारीख को वही काम उन्होंने पश्चिम बंगाल के हुगली में किया। दिखाते हैं आपको। देखिए, उनकी इस खिल्ली का वीडियो अब तेजी से फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मतलब कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, माननीय हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। मतलब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की खिल्ली उड़ाते हुए बांग्ला में उन्होंने बोला कि वो मिमिक्री करते रहेंगे, ये एक आर्ट है, जरूरत पड़ी तो वैसा 1000 बार करेंगे, पहले भी किया था। ये देख रहे हैं दो तस्वीरें, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, पहले भी मिमिक्री की थी, दोबारा उन्होंने खिल्ली उड़ाने की कोशिश की है। वैसे 19 दिसंबर को जब संसद परिसर में कल्याण बनर्जी ने पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की खिल्ली उड़ाई थी ना, तब वहां मौजूद विपक्ष के नेता उनकी इस खिल्ली को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। राहुल गांधी जी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने तो कल्याण बनर्जी की सरकत का वीडियो तक बनाया था। तब याद है ममता बनर्जी ने क्या कहा था, उन्होंने तब कहा था कि राहुल गांधी वीडियो ना बनाते तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। अब यहां तो राहुल गांधी जी नहीं थे ना पश्चिम बंगाल के हुगली में, वहां तो ममता ने राहुल को जिम्मेदार बता दिया, लेकिन हुगली में तो राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। फिर भी कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति के अपमान से परहेज नहीं उन्होंने किया, खिल्ली उड़ाई। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष को आज भी कल्याण बनर्जी के इस कॉमेडी कांड या इस खिल्ली कांड में उपराष्ट्रपति का अपमान कहीं नहीं नजर आ रहा है। सुनिए आप, उपराष्ट्रपति उसको अनावश्यक तूल दे रहे हैं, वो संवैधानिक पद पे हैं, ये उनका मजाक नहीं उड़ाया गया है। मैं असहमत हूँ धनखड़ जी, हम हास में, कला में, परिहास में भगवान और उसके समकक्ष जो लोग हैं उनके बारे में भी टिप्पणी करते हैं, उनका भी परिहास करते हैं, मिमिक्री करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को अपशब्द इसके अंदर कह रहा है। मैं नहीं समझता कि क्यों इस मामले को ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है बात। देखिए, ये तो उनका अपना मामला है, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कोई अपशब्द कहीं पे कहे जा रहे हैं। ये देखिए 19 दिसंबर 24 दिसंबर पहले, अब 24 दिसंबर वाला वीडियो हमने आपको दिखाया, वहां पर वो उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए। इसी तरह से 19 दिसंबर को भी इन्होंने, देखिए पीछे डी राजा, राहुल गांधी, तमाम जितने भी नेता हैं, हंसी मजाक, खिल्ली उड़ाई जा रही है उपराष्ट्रपति की। और पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति कार्ति चिदंबरम आपको नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी ठिठोली सब कुछ चल रहा है, लग रहा था कोई अफसोस होगा। आज फिर वही कॉमेडी कांड रिपीट किया कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर। कॉमेडी कांड पर देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। जाट समुदाय उपराष्ट्रपति के अपमान के बाद कल्याण बनर्जी की सरकत पर उनके खिलाफ काफी गुस्से में था। वैसे नए कॉमेडी कांड पर बीजेपी नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, एक बार आपको सुना देते हैं बीजेपी क्या कह रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो
प्रोफेशन तो हर एक का है कि वो अपने मन का काम कर पाए, पर वो क्या कहते हैं, मखौलबाजी या जो इस तरीके की लोग काम करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जिनको कहा जाता है, वो प्रोफेशन होता है। संसद के बाहर कहीं कर सकते हैं आप, संसद के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में संसदीय प्रणाली से ही काम होगा, और संसदीय प्रणाली में असंसदीय क्या है वो भी आपके सामने है। आप अपने इलाके में 10-20 रुपये, 5 रुपये की टिकट लगा के खूब ये काम करिए। देखिए, मिमिक्री तो आर्ट है, लेकिन वो आर्ट करने की जगह लोकसभा नहीं है। बाकी जो चैनलों में कॉमेडी शोज होते हैं उसमें जाना चाहिए उनको, लेकिन लोकसभा के सीरियो के ऊपर बैठ के, अगर आपके दिमागी हालत ऐसा है कि आप लोकसभा के सीरियो के ऊपर बैठ के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है एक सांसद बनने के लिए।